अगर आप अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहती हैं तो मैं एक टिप देता हूँ आप, अगर आप औरत हैं ना, तो मैं आपको एक टिप ये देता हूँ कि आप अपने शौहर को ये कॉन्फिडेंस भी दें और ये बड़ा क्लियरली कन्वे भी करें कि मैं आपकी मर्जी के बगैर ना, मतलब मैं कोई डिसीशन आपकी कंसेंट या आपकी अप्रूवल के बगैर ना मैं नहीं लेना चाहती, मैं आप मतलब आपकी मर्जी के बगैर मैं कुछ भी नहीं करना चाहती। तो ये प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी लड़कियां शादी में आई हैं लेकिन वो इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आई कि मैं आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना चाहती। मतलब इफ़ यू आर मैरिड, इसका मतलब ये है कि यू हैव एक्सेप्टेड हिम एज अ अथॉरिटी, यानी या तो फिर आप नहीं करें ना शादी, और अगर शादी किया है तो फिर उसको जो डिवाइन जो उसका एक स्ट्रक्चर है ना, कि जिसमें उसको मतलब वो एक अथॉरिटी है आपको बनाया गया, तो अब आप उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लें और उसको बताएं, उसकी अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करें, उसको बताएं कि मैं आपकी मर्जी के बगैर ना कुछ नहीं करना चाहती, जिसमें आप राजी हैं ना, मतलब मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है जिसमें आप राजी हैं।